सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल NS रिएक्शन में। सो गाइस आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो वीडियो है नेपाल वांट्स हेल्प फ्रॉम मोदी जी। तो अभी जो सीन चल रहा है इंडिया वर्सेस चाइना का, तो उसमें नेपाल ने क्या किया था कि इंडिया के खिलाफ बोले थे और मतलब चाइना के साइड से वो बोल रहे थे, तो उसका उन्हें कैसा नुकसान हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अपना जो है ओपिनियन है वो उस पर देंगे। तो चलो वीडियो देखते हैं पहले, उसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं। तो लेट्स गो। यो बूम द थिंग गोस स्किरकी नेपाल की सरकार के साथ मिलकर वहां के कुछ लोग जो चीन की गोदी में बैठे थे वो सच सुनकर हमें गाली देते थे। उन लोगों को आज देखना चाहिए कि कैसे नेपाल की जनता सड़कों पर उतर चुकी है, बोल रही है मोदी जी चीन से बचा लो वरना नेपाल तो गया। वहीं ओली शर्मा की कुर्सी खतरे में, उनकी पार्टी दोफाड़ हो चुकी है। और आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे नेपाल चीन से त्रस्त है, वहां की जनता सड़कों पर है और ओली शर्मा की कुर्सी जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल की जनता चीन को लेकर अब सड़कों पर है, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। चीन ने नेपाल की कई जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, लगभग 11 गांव पर कब्जा कर लिया है, जिसे देखकर अब यह बात नेपाल के बीच फैल गई है, वहां की जनता के बीच फैल गई है और इसीलिए वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चिट्ठी लिखकर चीन से जमीन वापस लेने की मांग तक की है। सांसदों के मुताबिक चीन ने नेपाल के कई जिलों की 64 हेक्टेयर जो करीब 158 एकड़ जमीन बैठती है उस पर कब्जा कर लिया है। इनमें हुमला, सिंधुपाल चौक, गोरखा, रसुआ जिले शामिल हैं। हम लगातार इस बात को उठा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन सरकार के हाथों कठपुतली बने कुछ लोग हमें गाली दे रहे थे। ऐसे में अब सच आना शुरू हो चुका है। अब हमने ये मुद्दा उठाया तो वहां की पुलिस और वहां के लोग हमें धमकी दे रहे थे। खुद सुनिए इनकी गालियां और इनकी भाषा। सुन लो भी इंडिया के चैनल के नवीन चौहान, तुम लोग तूने कुछ 2-4 कुत्ते भौंकते हुए भौंका हुआ तो टीवी वीडियो शेयर किया था और उसमें से कुछ कुत्ते ने ये भी बोला था कि नेपाल के पास औकात क्या है, नेपाल को हम जड़ से मिटा देंगे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि नेपाल की संसद में क्या कह रहे हैं सांसद। बुहारीहरूले नेपाल को राष्ट्र खतरा में जान्छ, त्यसकारण नेपाल को राष्ट्र बचाउन को निमित्त बिहार र यूपी संग को जुन मधेशी को वैवाहिक संबंध छ त्यसलाई प्रकारान्तरले विस्तारै विस्तारै तर योजनाबद्ध व्यवस्थित ढंगले फाड्नु पर्छ, तोड्नु पर्छ, समाप्त गर्नु पर्छ भन्ने नेकपाको मानसिकता के यो रियालिटी हो त सामान्य अध्यक्ष महोदय? यो तोडे टुट्ने सम्बन्ध हो, यो कुनै पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, कांग्रेस पार्टीले। भारत के साथ सीमा विवाद और नागरिकता को लेकर कड़े तेवर अपना रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी अब टूट की कगार पर भी पहुंच गई है। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम ओली की आलोचना के बाद उनसे इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रचंड ने ओली को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीएम ने इस्तीफा नहीं दिया तो वो पार्टी को तोड़ देंगे। अब आपको दिखाते हैं कि वहां की जनता किस तरीके से भारत से मदद की गुहार लगा रही है और अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रतीक राज पांडे हैं जो कहते हैं, भारत के साथ संबंध खराब करके नेपाल ने बड़ी गलती कर दी, चीन से खुद को बचा लो, अभी भी भारत से क्षमा मांग लो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। प्रभात कहते हैं, हमारी सरकार मौन है क्योंकि वो चीन के डर से चुप है, पर भारत की सरकार हमारी सहायता करे, हमारे ऊपर हो रहे कब्जे को बचा ले वरना वो दिन दूर नहीं नेपाल चीन का हो जाएगा। रवि कहते हैं, अगर भारत ने मदद नहीं की तो नेपाल 2 साल के भीतर
चीन का गुलाम हो जाएगा, नेपाल की जनता बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगी, हमारे नेपाल में महंगाई बढ़ जाएगी। नेपाली भाइयों इस बात को समझो। मत्रिका पोड़ियाल कहती हैं, चीन ने कहा वो हमारे साथ है पर धोखा दिया, धीरे धीरे वो हमारी सीमाओं में घुस रहा है और हमारी सरकार चुप बैठी है, कुछ तो करो वरना सब खत्म हो जाएगा। वाकई सब खत्म हो जाएगा। लोगों ने तो यहां तक भी कह दिया कि 2 साल में नेपाल का नामो निशान चीन मिटा देगा अगर ऐसा ही चलता रहा है। इसलिए भारत मदद करो। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाकी से करते रहेंगे। नमस्कार। सो गाइस, वीडियो देख के तो अभी हो चुका है और वीडियो देख के एक ही बात समझ में आती है कि नेपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इंडिया से जो इतने साल के उनके अच्छे रिलेशंस थे वो खराब करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन किसी का सगा नहीं है। तो वो उनको शायद से पता नहीं है, उन्होंने जानबूझ के किया वो मुझे मालूम नहीं, बट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतिहास गवाह है चीन किसी का सगा नहीं है। वो हमेशा अपना फायदे के लिए किसी ना किसी को झांसे में लेता है और इस बार नेपाल की बारी आई थी। तो और उधर के लोग ये भी बोल रहे कि 2 साल में ऐसा ही चलता रहा तो 2 साल में नेपाल का नामो निशान मिट जाएगा। तो उनको अभी समझ लेना चाहिए और इंडिया से मदद की मांग करनी चाहिए ठीक से, और जो अपने रिलेशन है वो अच्छे से बना लेना चाहिए। और रही बात वो कि उन्होंने 11 गांव पे नेपाल के अपना घुसपैठ करके उन पर कब्जा कर लिए, तो वो उन्हें खुद से उन्हें पीछे हटा लेना चाहिए, क्योंकि चीन हमेशा ऐसे ही करता है, क्योंकि उन्हें महासत्ता जो बोलते हैं वो उनको बनना है। तो किसी की मदद है ना अपने फायदे के बिना नहीं कर सकते, तो ये बात को उनको जान लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उनको मोदी जी से बोल के मदद लेनी चाहिए, और जो अपने रिलेशन से पुराने नेपाल से वो अच्छे से बना लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो उनकी सरकार है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली शर्मा जी, तो उन्होंने ये बात को छुपाया था। मैंने एक वीडियो पहले देखी थी जिसमें उन्होंने वीडियो में बताया कि उन्होंने ये बात छुपाई है कि चीन ने धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया है, उन्होंने अपने जनता से छुपाया था, बट ज़्यादा देर तक सच नहीं छुपता है, तो वो लोगों के सामने आ गया और अभी उनके लोग भी उनके खिलाफ हो चुके हैं और वो बता रहे उनको कि जितना जल्दी हो सके इंडिया से मदद लो। तो उनको उनकी जनता का सुनना चाहिए और इंडिया से मदद लेनी चाहिए, और इंडिया ज़रूर मदद करेगा अपना, क्योंकि वो मित्र राष्ट्र है नेपाल हमारा, तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल NS रिएक्शन।